आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन की बात करेंगे, मार्टिन लूथर। ये वो मार्टिन लूथर किंग नहीं है जिनकी बायोग्राफी मैंने ऑलरेडी रिव्यू की हुई है, अमेरिका वाले सिविल राइट्स मूवमेंट चलाने वाले 1960 में। ये वो मार्टिन लूथर किंग नहीं है, हालांकि उनका नाम इनपे बेस्ड था। ये जर्मनी के मार्टिन लूथर हैं जिन्होंने एज ऑफ एनलाइटनमेंट की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों अभी एज ऑफ एनलाइटनमेंट क्या है, मार्टिन लूथर किंग कौन है, हम देखेंगे इस लेक्चर में। क्रिश्चियनिटी आपको इस लेक्चर में बहुत ज्यादा पता चलेगी, काफी देखने को मिलेगी, उनके रूल्स रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम क्रिश्चियनिटी के बारे में भी जानेंगे, चर्चेस के बारे में भी जानेंगे, इतिहास के बारे में भी जानेंगे और रोमन एम्पायर के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कि इन चर्चेस के पास कितनी ज्यादा ताकत थी। और मार्टिन लूथर किंग ने यह सवाल किया कि भैया ये क्या कर रहे हो, लोगों को चूज करने का मौका दो, लोगों को आजाद होने का मौका दो, आपने तो इन सबको बेड़ियों में बांध दिया है। तो ये सारी चीजें देखेंगे, बहुत कुछ मालूम चलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेट अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो इनका जन्म 10 नवंबर 1483 में हुआ था, जर्मनी के सैक्सोनी में। तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। अब एक चीज आप समझिए, जब मार्टिन लूथर किंग जन्मे थे 15वीं शताब्दी में, तो चर्चेस की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। चर्चेस की ताकत कहां से आई, हम थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आगे ये सारी चीजें काम आने वाली है और आपके नॉलेज भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, क्रिश्चियनिटी का जन्म जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ, आपको पता ही है। जीसस क्राइस्ट 2000 साल पहले आए थे। जो ऑफिशियल कैलेंडर है AD BC हम उन्हीं के ही बर्थ के हिसाब से मार्क करते हैं, वो भी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा किंगडम कौन सा था, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रोमन एम्पायर जो है वो बहुत बड़े किंगडम के रूप में उभरा, आपको पता ही है, बहुत बड़ा एम्पायर था वो। आज आप यूरोप में जितने भी बड़े बड़े देश देख रहे हैं, पहले सब रोमन एम्पायर के अंदर आते थे। अब इस पर पूरा एक सेपरेट लेक्चर है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो सब रोमन एम्पायर के अंदर आते थे और हर ये जो राज्य थे उनका एक राजा होता था, और ये सब किसके अधीन थे, चर्च के अधीन। क्रिश्चियनिटी कॉन्स्टेंटीन ने फेमस कर दिया, ऑफिशियल रीजन बना दिया। 14वीं शताब्दी आते आते, 4th सेंचुरी आते आते, क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन हो गया था। अब यहां पे जीसस क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स थे उनकी असेंबली को क्या बोला जाता था, चर्च। तो चर्च एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत तेजी से ग्रो हुआ जैसे ही क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन हो गया। 13वीं शताब्दी आते आते ये रिलीजन पूरी दुनिया में फैल गया था, यूरोप में फैल गया था। भैया ब्रिटिश जब भारत आए थे तो 1833 के बाद तो सारी मिशनरीज को तो ये बोल दिया गया था कि भारत में जितने लोग मिले उन सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो। तो हम यहां पे देखते हैं बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, इसमें बहुत सारे ज्यूज भी थे। तो यहां पे चर्चेस की ताकत बहुत ज्यादा हो गई थी, पोप के सब अधीन थे, जिनको फादर फिगर या पापा के रूप में देखा जाता है, जो फादर हैं जो मुक्ति तक ले जाएंगे। तो पोप के सब अधीन थे, सब कैथोलिक थे, और चर्चेस की ताकत इतनी ज्यादा हो गई कि इनके अपने लॉज होते थे दोस्तों, इन्होंने अपने कानून बना लिए जिनको कैनन लॉ बोला गया, और कैनन लॉ बकायदा इसकी पढ़ाई होती थी, यहां तक कि राजा महाराजा भी सर झुकाते थे। इनफैक्ट जैसे ही ताजपोशी होती थी किसी भी राजा की, सबसे पहले वो चर्च में ही जाता था, बहुत पैसा आता था, इनकी प्रॉपर्टीज थी, चर्चेस की खुद की प्रॉपर्टीज थी, यहां पे इन पे कोई टैक्स नहीं लगता था। वैसे जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगता है। तो यहां पे चर्चेस की ताकत बहुत ज्यादा हो गई थी। अब चर्चेस की ताकत बढ़ी, और जब ताकत बढ़ती है तो आपको पता ही है क्या होता है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब हुआ क्या, यहां पे हेरेसी की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। हेरेसी क्या है, इंडिविजुअल चूजिंग, मतलब इंसान खुद के लिए कुछ भी चूज नहीं कर सकता था। ये उस समय की बात है दोस्तों जब एक एवरेज इंसान, आपको पता है, 30 साल तक ही जीता था बस, उसकी जो लाइफ है वो 30 साल तक ही होती थी एक एवरेज। मैं आपको मोर्टेलिटी रेट बता रहा हूं। तो यहां पे हम देखते हैं
कि हेरेसी इंडिविजुअल चूजिंग की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। कोई भी इंसान अपने लिए कुछ भी चूज नहीं कर सकता। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है जो चर्चेज ने लॉ बना दिए हैं आपको उसी को ही फॉलो करना है। जीसस की टीचिंग्स द होली बुक बाइबल में है, 10 कमांडेंट्स है, ओल्ड टेस्टामेंट है, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है और उसके बाद आपको एक अच्छा क्रिश्चियन होना है। आपकी खुद के कोई राइट्स नहीं है। धीमे 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 जब चर्चेस इतना ज्यादा ताकतवर हो गया, लोगों को दबाने लगा, यहां पे वैज्ञानिकों को दबाने लगा, जो कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता था साफ कर दिया जाता था इन सबको। तो जब इतनी ज्यादा ताकत आ गई तब यहां पे लोग खड़े हो गए। देखिए होता क्या है कि कोई भी इंसान हो वो क्या चाहता है, हम खुश रहे। कोई सरकार हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सरकार है, क्या टैक्स, उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि बस खुशी मिले, हमारा परिवार अच्छे से रहे, 2 वक्त की रोटी मिलते रहे, सब बढ़िया है, खुश रहे हम। जब ऐसा नहीं होगा लोग उठ खड़े होंगे, हमेशा रेवोल्यूशन होगा। यहां पे ऐसा ही हुआ लोगों के साथ। अब जो 90% लोग थे वो तो नीचे तबके के थे, वो तो पेजेंट्स थे, वो तो डेली वर्कर्स थे, उनके लिए लॉ बहुत खतरनाक होते जा रहे थे। तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में आवाजें उठनी शुरू हो गई चर्च के खिलाफ। अरे बाप रे बाप, वॉल्डेंसियंस हो गए, एल्बिगेसियंस हो गए, ये सब वो लोग थे, वो फॉलोअर्स थे जो चर्च के खिलाफ आवाज उठाते थे और बोलते थे कि हम आपकी इस अथॉरिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन जब मार्टिन लूथर आए उसके बाद सब कुछ बदल गया। तो मार्टिन लूथर जैसा सबके साथ होता है वैसे ही इनके साथ हुआ। जितने भी महान पुरुष हैं वो हमेशा स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट से जाते ही हैं, लेकिन शुरू में चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे जो भी हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, हर किसी को क्या होता है, शुरू में उनको जीवन का अर्थ समझ में नहीं आता। मार्टिन लूथर को भी शुरू में जीवन का अर्थ समझ में आया ही नहीं। ये उधर उधर भटकते रहे, ये किताबें पढ़ते कि जीवन है क्या, हम क्यों यहाँ आए हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आता था, दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ था। लेकिन एक दिन इनको सब समझ में आ गया जब स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट हो गया। हालांकि जो इनकी व्यूज है, इनकी फिलॉसफी है, वो बहुत अलग है, हो सकता है बहुत लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन यही सही तो राइज हुआ प्रोटेस्टेंटिज्म का। प्रोटेस्टेंट कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस का, क्रिश्चियंस में 2 गुट हो गए, एक कैथोलिक्स और एक प्रोटेस्टेंट, जो कैथोलिक को प्रोटेस्ट करते थे। तो वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो ये इतिहास था, पता चल गया, बहुत बढ़िया। इनके पिताजी और इनकी माताजी मार्गरेट लूथर और हैंस, इनके पिताजी एक कोल माइन में काम करते थे, यहां पे कोयले की खदान में काम करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, चाहते थे जो इनका बेटा है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लॉयर बनाना चाहते थे। तो भैया इनकी जो शुरुआती पढ़ाई थी, मैंसफील्ड में एक स्कूल था, वहां पे भेजा, पढ़ने में अच्छे थे, मार्टिन लूथर पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी गए, लॉ पढ़ा वहां पे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इनको कुछ खास समझ में नहीं आया। मतलब ये भले ही लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, इनके पिताजी चाहते थे कि ये लॉ की पढ़ाई करे, लेकिन इनका कुछ खास वहां पे मन नहीं लगा, क्योंकि दिमाग में तो कुछ और चल रहा है, दिमाग में भगवान चल रहा है, दिमाग में धर्म चल रहा है कि क्या हो रहा है। ये ड्रॉप आउट थे, ये पढ़ाई पूरी किए ही नहीं वापस आ गए। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एरफर्ट गए, वहां पे इन्होंने डिग्री ली, लेकिन फिर यहां पे हम देखते हैं कि जब ये लॉयर बनने वाले थे तभी ये वो कॉलेज छोड़ के वापस आ गए, घर में आए, फिर इन्होंने सोचा कि सबसे बेस्ट मेरे लिए रहेगा, मुझे जिंदगी को समझना है कि धर्म कहाँ ले जाता है, तो सबसे अच्छी चीज होगी कि मैं मॉन्क बन जाऊं। तो भैया ये भिक्षु बन गए, ये बिल्कुल सादे कपड़ों में जाते, लोगों की मदद करते, दिन रात प्रेयर करते, फास्ट रखते, प्राश्चित करते, लेकिन फिर भी इनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, दिमाग इनका अलग ही लेवल पे चल रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, भगवान को समझना कैसे है, ये जिंदगी क्या है। फिर भैया इनके एक दोस्त ने बताया कि जीसस क्राइस्ट को समझ लो। उस समय क्रिश्चियनिटी का बोलबाला था, ये आपको मैं बता ही चुका हूं। तो यहां पे 10 कमांडेंट्स थे और ओल्ड टेस्टामेंट, होली बुक बाइबल, बहुत सारी चीजें थी, ट्रिनिटी को समझो, जीसस क्राइस्ट को समझो। तो यहां पे जब जीसस क्राइस्ट की भक्ति में विलीन हो गए मार्टिन लूथर, तब उनको फाइनली स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हुआ और यहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। हालांकि ये फादर भी बने, मतलब प्रीस्ट भी बने थे, ठीक है, ये प्रीस्ट भी थे और इन्होंने थियोलॉजी से भी पीएचडी की और वहां पे इन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी।
ठीक है, और कोई भी कॉन्फ्रेंस होती थी तो इनको भेजा भी जाता था। ऐसे ही जब 27 साल के थे ये, तो कैथोलिक चर्च कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहां पे जब ये गए और जब ये वापस आए, इनका बहुत मूड खराब था। इतना ज्यादा करप्शन और इतना ज्यादा लोग ईगो में थे, कैथोलिक प्रीस्ट जो है वो इतनी ज्यादा अपनी चलाते थे कि इनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया। तब इन्होंने बोला कि यार ऐसे में इतनी इमोरैलिटी है और कोई संवेदना नहीं है, ऐसे में कहां भगवान की प्राप्ति होगी, कहां पे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कोई भी धर्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुज्म हो, वो एक ही चीज बताता है, मोक्ष की प्राप्ति। हर इंसान की किस्मत ही यही है, मोक्ष की प्राप्ति। अब हर धर्म अलग अलग तरीके बताता है, हर धर्म, अगर हिंदुइज्म की बात करें तो अलग है, लेकिन रास्ता एक है। आगे जाके ये सारे के सारे धर्म एक ही रास्ते पे मिल जाते हैं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं या फिर सैल्वेशन कहते हैं, और यही इंसान की डेस्टिनी है। अब अलग अलग तरीके हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, तो उसमें क्या बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जीसस क्राइस्ट को समझ लो, 10 कमांडमेंट्स फॉलो करो, होली बाइबल को पढ़ो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैथोलिक चर्चेस उस समय बताते थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी की ही वजह से सारी गड़बड़ शुरू हुई, इंडल्जेंस। बिल्कुल इंडल्जेंस वे टू सेल्वेशन। अब इंडल्जेंस का मतलब क्या है दोस्तों, ये चीज आपको समझनी है। देखिए, इसी इंडल्जेंस की वजह से बहुत दिक्कत होगी, अभी हम देखेंगे, मार्टिन लूथर इसी इंडल्जेंस पे ही सवाल खड़े करेंगे। इंडल्जेंस क्या है, वे टू सेल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको जो रास्ता तय करना है। अब इसका मतलब क्या है, एक इंसान अपने जीवन में बहुत सारे पापों को करता है, ढेर सारे पाप हैं, बहुत दिक्कतें करता है, कभी किसी को धोखा दे रहा है, कभी किसी का दिल तोड़ रहा है, कभी किसी का मर्डर कर रहा है, इंसान को इसका रियलाइजेशन नहीं होता है। तो यहां पे कैथोलिक चर्चेस बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारे पापों के प्रायश्चित को करवाएंगे। अब इंडल्जेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप को मारो पीटो, तुमने जो पाप किए हैं अपने आप को दर्द दो, हंटर मरो, वैसे ऐसा भी होता था, बहुत खतरनाक जो क्राइम होता था और एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी होता था, लेकिन यहां पे अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो, अगर भाई से झगड़ा है तो पहले भाई से सुलह मशवरा करके आओ, भाई को प्यार करके आओ, परिवार से झगड़ा है तो परिवार से पहले पीस एस्टैब्लिश करो, प्यार करो उनसे, उसके बाद इंडल्जेंस पे आओ। तो बेसिकली तुमको अपने पापों का प्रायश्चित करना है। क्रिश्चियनिटी में क्या बोला जाता है, उनका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर आप जो सोल है, जो आत्मा है, जब आप ऊपर जाएंगे परमात्मा से मिलेंगे, तो वहां आपको अपने पापों के पापों के हिसाब से आपको जवाब देने हैं जो आपने पाप किए, ठीक है। तो उसी पापों को कम करने के लिए आप जीते जी इसका प्रायश्चित कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो सोल है प्योर हो जाएगी, जिसको परगेट्री बोला गया, ठीक है ना, परगेट्री। आई एम रियली सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ी क्या, बहुत गंदी है। तो आप प्योर हो जाएंगे, आपकी सोल प्योर हो जाएगी, इस इंडल्जेंस से आपकी सोल प्योर हो जाएगी, और जब आप उस परमेश्वर से मिलेंगे वो बहुत ज्यादा खुश होगा। अब क्या हुआ कि ये इंडल्जेंस बहुत सही चीज है, लेकिन चर्चेज ने इसका मुद्रीकरण कर दिया, मोनिटाइज कर दिया, लोगों का मूड खराब हो गया। इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग ने पढ़ाई की यहां पे, मार्टिन लूथर ने, और इनको थियोलॉजी में इन्होंने डॉक्टरेट की, पीएचडी की, और उसके बाद ये इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, दिक्कत तब शुरू हुई जब इसका, जो मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंस का पूरा विमुद्रीकरण बन गया, ठीक है। अब ये सब चीजें मैं आपको समझा ही चुका हूं, इन्होंने इतने सारे स्क्रिप्चर पढ़े कि इनको फाइनली इनलाइटनमेंट हो गया, ठीक है। अभी हमें सारी चीजें इनके व्यूज पे आएंगे। तो हुआ क्या दोस्तों कि यहां पे सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च बनाने के लिए पैसा चाहिए था पोप लियो 10 को। अब इसके लिए पैसा चाहिए था तो भैया जर्मनी भेजा यहां पे, ठीक है। अब जब जर्मनी गए तो वहां पे एक डील साइन हुई कि हम आपको बिल्कुल पैसा देंगे, लेकिन आप इस इंडल्जेंस को बेचना शुरू कर दो। तो यहां पे इंडल्जेंस को बेचने लगे, मतलब अगर लोगों को प्रायश्चित करना है तो लोग पैसा देंगे, फिर आप आ जाओ इंडल्जेंस कर लो। तो यहां से मूड खराब होना शुरू हुआ। मार्टिन लूथर को जब ये पता चला तो उनको बहुत बुरा लगा, और 31 अक्टूबर 1517 ये एक ऐसा इवेंट है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। 95 सवाल लेके गए
विटेंसबर्ग चर्च के दरवाजे पे एक एक पैम्फलेट, 95 पैम्फलेट थी, और हर एक पैम्फलेट में एक सवाल लिखा था, कील ठोक के गाड़ के आ गए और बोला कि इस पे बहस होनी चाहिए, ये हमारी आपत्ति है जो आपने इंटेलिजेंस को सेल कर रहे हैं, आप लोगों से पैसा ले रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं, ये नहीं चलने वाला, ये हमारे सवाल हैं, आइए बहस करिए। इस पे बहुत सारे लेटर्स भी लिखे मार्टिन लूथर ने, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो उनके पास यही रास्ता बचा। डेट थी 31 अक्टूबर 1517 और ये एक नए एरा की शुरुआत हो गई। बेसिकली चर्चेस को रिफॉर्म करने की बात हो रही थी बहुत सालों से, ये 13th सेंचुरी से ही शुरू हो गया था, चर्चेस को रिफॉर्म करो, इनकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है उसको बदलो, इतनी ताकत है उसको कम करो। तो ये 95 थीसिस का नाम दिया गया। अब यहां पे चर्च बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हालत खराब होने वाली है मार्टिन लूथर की। कैसे हालत खराब होने वाली है? पहली बात तो ये 95 थीसिस, उस समय प्रिंटिंग प्रेस ऑलरेडी जर्मनी में आ गई थी, विद इन अ वीक इसकी इतनी कॉपी छपी कि पूरे देश में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। चर्चेज ने बहुत सारी किताबों को बैन किया, 95 थीसिस को बैन किया। अब इसका भी बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था दोस्तों, यहां पे पहले तो बहुत समझाया गया मार्टिन लूथर को कि जो तुम कर रहे हो, चर्चेज के खिलाफ जा रहे हो, सही नहीं है, तुमको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, तुम गए काम से। लेकिन मार्टिन लूथर किन बिल्कुल भी नहीं रुके, उनको तो एनलाइटनमेंट हो गया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो ये 95 थीसिस पूरे यूरोप में फैल गई, बहुत सारे प्रिंस भी मार्टिन लूथर के सपोर्ट में आ गए। अब यहां पे एक बेसिक चीज आप समझो, एक बेसिक चीज आप और समझ लीजिए। देखिए भारत में, भारत को आप कंपेयर करिए, 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी में भारत में क्या हो रहा था? भारत में भक्ति मूवमेंट की स्टार्ट हो गई थी, भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया था, भक्ति मूवमेंट पे मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर है। और ये 13th और 14th सेंचुरी आते आते मतलब जर्मनी में भी यहां पे उनका भक्ति मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, भारत का भक्ति मूवमेंट भारत में है और जर्मनी में उनका भक्ति मूवमेंट जिसको प्रोटेस्टेंटिज्म का नाम दिया गया। तो भक्ति मूवमेंट क्या था? जो कमजोर लोगों थे, जितने भी कमजोर लोग थे, क्योंकि पहले भारत की भी बात करें, ऐसा ना लगे कि देखिए ये जो भी चीजें हैं ये फैक्ट्स हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, पहले मैं क्लियर कर दूं, वैसे अपनी तरफ से क्यों बोलूंगा, ठीक है, ये सब फैक्ट्स हैं जो मार्टिन लूथर किंग की राइटिंग्स हैं, जो इतिहास है वो मैं बता रहा हूं। तो यहां पे भारत में भक्ति मूवमेंट का जब स्टार्ट होता है तो कमजोर लोगों को ताकत मिल गई। पहले क्या होता था, भारत में मंदिर थे, ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा था, वर्ण सिस्टम था, तो कुछ भी दिक्कत होती थी तो मंदिरों को पैसा दो, पूरा एक रिचुअल कराओ, एक प्रॉपर एक पूजा होती थी, यज्ञ होता था। अब ये गरीब लोग तो कर नहीं पाते थे, गरीब लोग तो भगवान का नाम तक नहीं ले सकते थे, इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। सेम ऐसे ही वहां पे चल रहा था, एग्जैक्टली। तो यहां पे हम देखते हैं कि लोगों के लिए ये बहुत राहत की बात थी कि कोई ना कोई ऐसा इंसान खड़ा हुआ है जो उनकी बात सुन रहा है। 90% लोग नीचे तबके के थे तो, और वो बहुत ज्यादा परेशान थे, उनपे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे, चर्च उनकी फ्रीडम को छीन रहा था। तो लोगों ने तो इसको हाथों हाथ लिया, लोगों ने बोला कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और हम तो इसी पे ही अमल करेंगे। तो लोग यहां पे मार्टिन लूथर के साथ हो गए, बहुत सारे राजा महाराजा भी मार्टिन लूथर के साथ हो गए, भैया वो भी चर्च की ताकत से परेशान थे, बहुत सारे राजा महाराजा। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन चर्च छोड़ने वाला नहीं था। अब यहां पे हम देखते हैं इनको ऑफिशियली एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया। अब कैसे एक्सकम्युनिकेट किया गया? भैया डिएट ऑफ वॉर्म्स, जो कि रोमन असेंबली थी, इनको यहां पे बुलाया गया, मार्टिन लूथर को, जो तुमने पाप किए हैं, जो तुमने चर्चेस के सवाल उठाए हैं, उसको तुम एग्री करो, मानो और अपनी गलती मानो, उस हिसाब से सजा भुगतो। मार्टिन लूथर ने कुछ भी, कोई भी इल्जाम मानने से मना कर दिया। मार्टिन लूथर किंग ने बोला, मैं बार बार मार्टिन लूथर किंग बोल रहा हूं, आई एम रियली रियली सॉरी, मार्टिन लूथर ने बोला कि मैंने जो कहा वो सही कहा, मैं कुछ भी नहीं मानूंगा, एक्सकम्युनिकेट कर दिया, पूरी तरीके से बैन कर दिया, 1521 में इनकी राइटिंग्स को बैन कर दिया और भैया अरेस्ट ऑर्डर जारी कर दिया, मार भी दिए जाते मार्टिन लूथर, लेकिन लोग इनके साथ थे। यहां पे हेरेसी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, इंडिविजुअल चूजिंग से अलाउड नहीं थी, और ये तो हेरेसी जो ये लॉ है इसको पूरा तोड़ के रख दिया था मार्टिन लूथर ने। तो मार्टिन लूथर को पकड़ो, जेल में डालो, फांसी पे चढ़ा दो।
तो मार्टिन लूथर फिर भागे वहां से। यहां पे मार्टिन लूथर लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प की एस्केप में, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि विटेन्सबर्ग कैसल में इनको पनाह दी गई और यहां पे काफी प्रिंस भी इनका इनकी मदद कर रहे थे। इसी दौरान दोस्तों 1524-1525 में पेजेंट रिवोल्ट हो गया, जर्मनी में पेजेंट रिवोल्ट हो गया और मार्टिन लूथर ने बहुत ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया था। लोग इन्हीं की ही राइटिंग से फेमस हो गए। 1520 में दोस्तों तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी थी मार्टिन लूथर ने। वैसे बहुत मार्टिन लूथर ताउम्र लिखते रहे हैं, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पैम्फलेट। 1520 में उन्होंने लिखा था, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए क्योंकि मुझे हल्का सा याद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं एग्जैक्ट टाइटल बताने की। पहला जो था वो था क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन। हाँ यही था, क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैम्फलेट था और इसमें प्रोटेस्टेंट आइडियाज थे, ठीक है, कि यहां पर रिफॉर्मेशन की पूरी बात थी कि किस तरीके से चर्चेस को रिफॉर्म करना चाहिए और जो यहां पर गलत हो रहा है उसको सही करो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट था बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ चर्च, और तीसरा ऑन फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियंस। ये तीन चीजें जो छपी, प्रिंटिंग प्रेस था, डबल होती गई, मल्टीप्लाई होती गई, लोगों को बहुत ताकत दी, लोग यहां पे जागृत हुए, इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ, सोसाइटी पे इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ। ना कि सिर्फ ये जो छोटे तबके के लोग थे, पेजेंट थे, ना सिर्फ ये बल्कि इंटेलेक्चुअल्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट, हर कोई मार्टिन लूथर के साथ आ गया और एक नए मूवमेंट की शुरुआत हो गई। पेजेंट रेवोल्यूशन हुआ दोस्तों 1524-1525 में। अब यहाँ पे 12 आर्टिकल्स दिए पेजेंट मूवमेंट, मतलब यहाँ पे जो स्वेबियन लीग थी जो इन पेजेंट्स की तरफ से बात कर रही थी, उन्होंने 12 आर्टिकल्स दिए। उसमें जो भैया फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, वो सारी चीजें थी कि हमको आजादी दो, विलेज को ऑटोनॉमी दो, रिलीजियस लॉज को सही करो, वो सारी चीजें थी। लेकिन ये 1524-1525 ये जो एक साल तक रिवोल्ट चला, इसको पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया और मार्टिन लूथर को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि इतनी ब्रूटली लोगों को मारा गया, सही नहीं है। दोबारा मार्टिन लूथर किंग वापस आए। अब जब मार्टिन लूथर किंग वापस 6 मार्च 1522 में विटेन्सबर्ग में वापस आए, वहां पे एक नए चर्च की स्थापना की गई, लुथेरियन चर्च। और ये जो मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स थे उनको लूथरांस बोला जाता था। अब ये जो लूथरांस थे ये मार्टिन लूथर की टीचिंग्स को फॉलो करते थे, और मार्टिन लूथर किसकी टीचिंग को फॉलो करते थे? जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को फॉलो करते थे। अब जीसस क्राइस्ट की टीचिंग को फॉलो करने का मतलब क्या है? सीधा सीधा मार्टिन लूथर का ये मानना था, देखिए क्रिश्चियंस का क्या बिलीव है, ट्रिनिटी में वो मानते हैं, ठीक है, ट्रिनिटी क्या है, वही देखिए, ये तो आपको हर धर्म में मिलेगा ही मिलेगा। ट्रिनिटी मतलब एक फादर, यानी कि वो परमेश्वर जो कि हमेशा रहेगा, उसका बेटा यानी जीसस क्राइस्ट, उसका बेटा, फादर की बातों को बेटा फैलाएगा, जीसस क्राइस्ट मसीहा, मैसेंजर ऑफ गॉड, जो उस परमेश्वर की बातों को लेके आया है, और असली में उद्देश्य क्या है इंसानों का, ये फैलाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी आत्मा, सोल, जब फादर और जीज फादर और सन का काम पूरा हो जाएगा, तब हमारी आत्मा लिबरेट हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, सैल्वेशन मिल जाएगा। तो ये ट्रिनिटी का कंसेप्ट है। अब यहां पे इसको पढ़ाया जाता था, मार्टिन लूथर ने बोला इसको पढ़ाना नहीं है, ये इंसान ही है, इंसान के अंदर है। और वैसे भी यहां पे इंडल्जेंस का मेन काम क्या था? इंडल्जेंस का मेन काम था कि अच्छे काम करो, सारी चीजें बढ़िया करो। मार्टिन लूथर के हिसाब से सारे, मतलब जो इंसान है वो पापी ही है, हर इंसान कुछ ना कुछ पाप तो करता ही है, और यहां पे अच्छे कामों से कुछ नहीं होगा। मैंने बोला ना यहां बहुत लोगों को बुरा भी लगने वाला है, ये भगवान का, ये भगवान की महिमा होगी कि कौन मोक्ष की प्राप्ति करता है और कौन नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी अच्छे काम करेंगे वो भगवान की आंखों में पापी है, क्योंकि आप वो मतलब के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एवरी वर्ल्डली एक्ट डिजाइंड टू अट्रैक्ट गॉड इज अ सिन, एवरी गुड वर्क इज अ सिन। तो बेस्ट क्या है, आप जीसस क्राइस्ट में विश्वास रखो, उन्होंने जो बताया वो फॉलो करो, सिंपल क्रिश्चियन टीचिंग्स फॉलो करो, सबसे बेस्ट यही रहेगा। विश्वास रखो जीसस क्राइस्ट में, भगवान की महिमा से, भगवान की कृपा होगी, बाय गॉड्स ग्रेस आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये बेसिक टीचिंग्स है। अब उसके बाद लूथरांस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये
जैसे जैसे साल बीतते गए, ये काफी मतलब ये जो चर्चेस है वो ग्रो होते गए, इसमें बहुत सारे देशों ने भी साथ दिया, बहुत सारे राजाओं महाराजाओं ने भी साथ दिया। वापस जब आए तो 8 सरमोन्स पढ़ाए उन्होंने। अब 8 सरमोन्स क्या थे, मतलब जब वापस आए मार्टिन लूथर विटेन्सबर्ग में, तो उन्होंने आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने 8 सरमोन्स दिए। ये क्या थे, ये वो प्रवचन थे जो सिंपल क्रिश्चियन टीचिंग्स पे बेस्ड थे, जो कि कोर है क्रिश्चियनिटी का। कोर क्या है, सबको प्यार करो, पेशेंस रखो, फ्रीडम और चैरिटी। तो ये चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने पढ़ाया और हर कोई इसको फॉलो करने लगा। इसी दौरान बहुत सारी चीजें लिखी दोस्तों, मैं भूल भी गया हूं क्या क्या चीजें लिखी थी। कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने आपको बता दी। 1533 से लेकर 1546 तक ये यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग में ही रहे, वहां पे थियोलॉजी पढ़ाते रहे और जो इनके चर्चेस थे लुथरांस वो ग्रो होते रहे। और इसी का दोस्तों ये आप कह सकते हैं कि इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि यहां से एज ऑफ एनलाइटनमेंट की शुरुआत हो गई, पूरे यूरोप में ये फैल गया। साइंटिस्ट आ गए, आइसैक न्यूटन आ गए, कॉपरनिकस की बायोग्राफी अवेलेबल है। कॉपरनिकस ने यहाँ पे जो चर्च का मॉडल था उसको नकार दिया था। चर्च क्या मानता था कि धरती सेंटर में है, कॉपरनिकस ने बोला सन सेंटर में है। फिर वोल्टायर आए, मोंटेस्क आए, लियोनार्डो डाविंची आए, आइसैक न्यूटन आए, नीश आए। तो ये पूरा एज ऑफ एनलाइटनमेंट अगले 200 सालों तक चलेगा। शुरुआत किसने की, मार्टिन लूथर, और एक क्रिश्चियंस का अलग ग्रुप हो गया जिसको हम आज प्रोटेस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो ये चीज थी, 1546 में मार्टिन लूथर की हार्ट स्ट्रोक से मृत्यु हो गई। लेकिन यहां पे जो मार्टिन लूथर ने किया वो इतिहास है, आप देख ही रहे हैं। और एक कहते ना एपॉक मेकर थे, इन्होंने एक नए एरा की शुरुआत कर दी थी और धीमे धीमे इनका जो मैसेज था ये पूरे यूरोप में फैल गया। तो ये एक लेक्चर था, मैंने क्रिश्चियन टीचिंग्स बताई, मैंने सब कुछ बताया। आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।